शायद वो हॉस्पिटल में हुआ है, कॉलेज भी है। देखिए बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी एक प्रश्न है। कुछ दिन पहले जादवपुर में भी ऐसे एक इंसिडेंट हुई थी, दोबारा इस प्रकार के इंसिडेंट एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में, जो घिनौना काम हुआ है उसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, वो कम होगा। बंगाल सरकार को उसके बारे में गुनहगारों को कार्रवाई करना पड़ेगा उनके ऊपर, और बंगाल सरकार उसके लिए उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। सन ऑफ एनआईएफ में धीरे धीरे देश की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। इस बार 6,500 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन, 10,000 से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज पे एप्लीकेशंस भी आया था। मैं आज की प्रोग्राम के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, धीरे धीरे भारत की सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली रैंकिंग पे आना चाहिए, सभी की अक्रेडिटेशन भी होना चाहिए। इसके कारण देश की स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को किस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस में उनकी बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे भी खुद जान पाएंगे वो किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। इस कंपटीशन कारण देश में क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी में इंक्रीज होगी, इसलिए सभी को धीरे धीरे सरकार की ओर से परसुएशन भी रह रही है। इसीलिए देश में पहली बार मोदी जी आने के बाद 2015 से इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूशन का व्यवस्था किया गया है, और 2016 अनुवाद अभी तक इसको मिला के 9th एडिशन की एनआईएफ की रैंकिंग हुई है। आज जिन इंस्टीट्यूशंस को इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में सम्मान मिला है, मैं सभी को बधाई देता हूं। 16 कैटेगरी में इस बार रैंकिंग किया गया, 3 नए कैटेगरी को इस बार जोड़ा भी गया है। आने वाले दिनों में रैंकिंग और बहुआयामी हो, मल्टी डायमेंशनल हो, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। एक्रेडिटेशन प्रोसेस को में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बाइनरी एक्रेडिटेशन का एक गाइडलाइन जारी किया गया। अभी भी जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है उसमें भी काफी रिफॉर्म किया गया है, काफी उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। उसके अलावा एक एक्सपर्ट कमिटी के रिकमेंडेशन के माध्यम से बाइनरी एक्रेडिटेशन की पब्लिक कंसल्टेंसी समाप्त हो गई है, पब्लिक डोमेन में भी है। जल्द ही उसको पॉलिसी फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया जाएगा। कुछ दिन तक पुराने एप्लीकेशंस के ऊपर भी विचार होगा, नए एप्लीकेशंस भी लिए जाएंगे। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now